मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज हम सीखेंगे मिरर आइडेड साइन कन्वेंशन इन लेंस इन फॉर्मूला ऑफ मिरर और लेंस। तो पहले हम बात करेंगे मिरर की और लेंस की डिफरेंस की। मिरर और लेंस में बेटा बहुत डिफरेंस होता है। मिरर जो होता है उसके इसके एक सिरे पे पॉलिश होती है, लेकिन लेंस के दूसरे सिरे लेंस के किसी सिरे पे पॉलिश नहीं होती है। इसलिए मिरर में रिफ्लेक्शन फिनोमिना टेक प्लेस होता है और लेंस में रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंस बैक ऑफ रे इन अ मीडियम। जैसे मान लीजिए किसी मिरर पर कोई रे अगर इंसिडेंट हो रही है तो उसी मीडियम में उसी तरह से वो रिफ्लेक्ट होती है, इसी से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो मिरर और इसके साइन कन्वेंशन को मेनली हमको समझना है तो हम इतना ज़्यादा नहीं बताना होगा। पहली बात तो रिफ्लेक्शन समझ में आ गया, मिरर में केवल रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कुछ हम बताते हैं, इसको जल्दी जल्दी से समझते चलिए। जैसे हम तीन तरह के मिरर्स होते हैं, प्लेन मिरर, ठीक, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर ही पढ़ना है, प्लेन मिरर उसी का एक टाइप अभी समझा देंगे। स्फेरिकल मिरर दो चीजों में टूट जाता है। स्फेरिकल मिरर जो होता है दो चीजों में टूट जाता है, ठीक है, दो मिरर में ब्रेक हो जाता है। अगर हम इसको काट देते हैं, अगर हम इसको क्या करें, काट दें बीच से, तो देखो कुछ इस तरह का बनेगा और एक इस तरह का बनेगा। दो पार्ट हो गया, दो कर्व हो गए इसमें, ठीक है। तो हमेशा जो पॉलिश होती है वो AgBr की होती है, सिल्वर ब्रोमाइड की पॉलिश होती है, ताकि रे जो है जब इस पर इंसिडेंट हो तो दूसरी तरफ रे इंटर ना कर पाए, वहीं से बाउंस बैक हो जाए, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन का फिनोमिना टेक प्लेस होना है। तो ये स्फेयर को हमने कट कर दिया, दो तरह के मिरर बन गए यहाँ पे। तो इसके राइट साइड को हमेशा पॉलिश करेंगे, ये देखो राइट साइड को पॉलिश कर दिया, इसके भी राइट साइड को पॉलिश कर दिया। अब जो अंदर से धसा हुआ होगा, अंदर की तरफ जो धसा हुआ मिरर होगा, इसको बोलेंगे कनकेव। क्या बोलेंगे, कनकेव। जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होगा, पॉलिश्ड पार्ट ना हो, बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, इसको कन्वेक्स बोलेंगे। ये कन्वेक्स मिरर है और ये है कनकेव मिरर, ठीक है। ये चीज तो क्लियर है, कनकेव मिरर ये है, कन्वेक्स मिरर ये है। इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, इसको हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। कोई भी रे आती है तो ये फोकस से ही भेज देता है और कोई रे आती है तो इसको ये डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। तो जब अंदर की तरफ धसा होगा तो कनकेव, जब बाहर की तरफ उभरा होगा तो कन्वेक्स, ठीक है। ये कन्फ्यूजन अक्सर बच्चों को रहता है साइन कन्वेंशन में लेंस फॉर्मूला के, ठीक है, या मिरर फॉर्मूला के। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी देखो हम क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लो हम एक ले लिए, ये मिरर ले लिए, अभी हमने बताया है मिरर के राइट साइड को हमेशा पॉलिश करते हैं, ये रूल है, राइट साइड को पॉलिश करते हैं और लेफ्ट साइड साइड में हमेशा ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो ये मिरर जो है किसी स्फेयर का पार्ट होगा, किसी स्फेयर का पार्ट होगा, मान लो स्फेयर कुछ इस तरह से आया होगा, इस स्फीयर का पार्ट होगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड रखेंगे और ऑब्जेक्ट को हम दिखाते हैं किससे, यू से दिखाते हैं। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम यू से दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसको यू से दिखाते हैं, ठीक है। अब फोकस क्या होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसको समझ लिया जाए। जैसे इसको हम काटा गया था, जिसको इस स्फीयर को काटा गया था, ठीक, तो ये हमने एक बना लिया था क्या, कनकेव मिरर, ठीक है। तो इस स्फीयर को हम बढ़ा दिए, इस स्फीयर को फिर से बना दिए, तो इसका कुछ सेंटर रहा होगा, इस स्फीयर का कुछ सेंटर रहा होगा, उसी का ना पार्ट है ये कनकेव मिरर, तो इसी का पार्ट, इस स्फीयर का पार्ट है कनकेव मिरर, तो इस स्फीयर का जो सेंटर रहा होगा वो इसी कनकेव मिरर का भी सेंटर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, जो सेंटर इस स्फीयर का रहा होगा, स्फेरिकल मिरर का, वही सेंटर इसका भी, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर इस
मिरर का हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर का हो जाएगा। और देखो सेंटर से लेके ये बोलते हैं इसको पोल, पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। मतलब ये स्फीयर अगर ड्रॉ था तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा स्फीयर का, तो वो कनकेव मिरर का भी रेडियस हो जाएगा। यही रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर, जो स्फेरिकल मिरर का रेडियस होगा वो कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। कनकेव कहो चाहे कन्वेक्स बनाने पे कहो वो एक ही बात है, ठीक है। और फोकस जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, यानी फोकस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। रेडियस का हाफ करते हैं तो फोकस मिल जाता है, ठीक। इसी तरह से ये रहा आपका कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर को इस साइड बढ़ाएंगे, ऑब्जेक्ट को हमेशा यहीं रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे। ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा यू, ठीक है, पोल से। और इसका फोकस कहाँ होगा भाई? इसका रेडियस इधर होगा, ये रेडियस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और इधर इसका फोकस हो गया आधा रेडियस का, ठीक है। रेडियस का आधा क्या होता है? फोकस होता है। अब साइन कन्वेंशन में कुछ नहीं प्रॉब्लम, अभी देखो हम क्लियर कर देते हैं। हमेशा मिरर के लिए ये फार्मूला लिख देना, हमेशा मिरर के लिए ये फार्मूला। ये इमेज का वो है डिस्टेंस है, इमेज कितने डिस्टेंस पे अंदर की तरफ बन रहा है, बाहर की तरफ बन रहा है, छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, ये बात की बात है। साइन कन्वेंशन को पहले समझ लो, ठीक है। साइन कन्वेंशन को समझना बहुत जरूरी है, बाकी सारा खेल खत्म हो जाएगा। देखो लेफ्ट साइड में जब भी हमारा फोकस आएगा, हमेशा यू को हमेशा नेगेटिव लोगे, यू कभी पॉजिटिव ही नहीं होगा, यू हमेशा नेगेटिव होगा। मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेना है, चाहे कोई भी मिरर हो, चाहे कन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर हो, चाहे कन्वेक्स मिरर हो, जो यू होगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो हमेशा नेगेटिव। चल अब रही बात फोकस को कैसे चेक करेंगे नेगेटिव, एक और निकाल लें हम अपने आप दूसरे वाले का, तीसरे वाले का साइन पा जाएंगे। ये देखो ये जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर अंदर की तरफ धसा होता है, इसका स्फीयर कुछ इस साइड बनेगा, तो इसका फोकस इस साइड आ रहा है। और जानते हो एक्सिस पर लेफ्ट साइड में जाने पर सब चीजें क्या होती हैं, एक्स एक्सिस पर नेगेटिव होती हैं। तो ये एक्स एक्सिस पे हम जब लेफ्ट साइड आ रहे हैं, यहां से देखेंगे लेफ्ट साइड में आएंगे तो ये फोकस भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो कन्वेक्स मिरर के लिए फोकस क्या होगा, कनकेव मिरर के लिए, कनकेव मिरर के लिए फोकस क्या होगा, नेगेटिव होगा। कनकेव मिरर के लिए फोकस क्या होगा भाई, नेगेटिव होगा। कनकेव मिरर के लिए फोकस क्या होगा, नेगेटिव होगा। कोई दिक्कत? हमेशा याद रखिएगा कनकेव मिरर के लिए फोकस नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर को इधर बढ़ा दोगे, लेकिन इसके लिए भी यू नेगेटिव। अब यू पता चल गया, साइन एफ का साइन पता चल गया, वी का साइन अपने आप आ जाएगा। अब ये देखो इसको इधर बढ़ाएंगे तो अब इसका फोकस हमारा लेफ्ट साइड में नहीं है, इसका फोकस चला गया राइट साइड में। यहां से देखेंगे राइट साइड में जब फोकस आएगा तो हम जानते हैं एक्सिस पे जब राइट साइड में एक्स एक्सिस पे जाते हैं तो फोकस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। फोकस क्या हो जाएगा, इसके लिए फोकस पॉजिटिव और यू हमेशा नेगेटिव, याद ही है सबको। तो वी अपने आप पा जाओगे, वी का साइन अपने आप पा जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से हम मिरर में 1/f = 1/v + 1/u का साइन कन्वेंशन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसा बनता है इमेज, कब बनता है, कुछ क्वेश्चंस कराएंगे तब और क्लियर हो जाएगा। तो साइन कन्वेंशन समझना बहुत ज़रूरी था मिरर में। इसी तरह से लेंस में बताएंगे, मिरर में हमेशा रिफ्लेक्शन होता है क्योंकि एक साइड उसकी पॉलिश होती है AGBR से, ठीक। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।